नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। बिहार राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने पांच पांच के बैच में कुल 31 मंत्रियों को शपथ दिला दी। शपथ लेने वालों में 31 विधायकों में आरजेडी कोटे से 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों को शपथ दिलाई गई। इनमें पहले ही उप मुख्यमंत्री पद के शपथ के तौर पर तेजस्वी यादव ले चुके थे और आज के मंत्री पद में तेज प्रताप यादव को भी जगह मिल गई है, उन्हें भी मंत्री पद मिल गया है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में आरजेडी के दबंग नेता सुरेंद्र यादव और जेडीयू के बाहुबली जमा खान ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ये जो चेहरे आए हैं इनको क्या सोचकर लिया गया है मंत्रिमंडल में। बीजेपी के पास में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है और अभी तक जो मुद्दा शांत रहा है वो मुद्दा रहा भ्रष्टाचार के अलावा दबंगई का, गुंडागर्दी का या अपराध मुक्त प्रदेश का। अपराध मुक्त प्रदेश ये सुना सुना आपको लगेगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, बिहार में अब ये मुद्दा जमकर गूंजने वाला है। तो ऐसे में आपके जहन में सवाल आ सकता है कि जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें से कितने दागी हैं या किन पर क्या क्या मामले दर्ज हैं, गंभीर मामले दर्ज हैं। तो आज जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें ऐसे कई चेहरे आपको मिलेंगे, जरा एक एक करके उनके बारे में इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात सुरेंद्र यादव की। बेलागंज से विधायक हैं, पिछले 30 साल से बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग विधायक और बिहार राजनीति के ताकतवर चेहरे के तौर पर है। 9 आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं और इनमें कई गंभीर आपराधिक मामले हैं। छवि मजबूत होने के कारण इनकी जीत पक्की मानी जाती है, 30 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं सुरेंद्र यादव, 2 बार जनता दल और 5 बार आरजेडी से विधायक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के भी करीबी हैं। इलाके में हर तरीके से अपनी राजनीतिक छवि मजबूत रखने वाले सुरेंद्र यादव को हर बार जीत ही मिली है। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही मंत्री की। जेडीयू कोटे से मंत्री बने जमा खान की छवि भी दबंग नेता के रूप में जानी जाती है। नीतीश कुमार के प्रिय माने जाने वाले कैमूर के चैनपुर विधानसभा से विधायक जमा खान की छवि दबंग और दामन दागदार है। जमा खान पर कुल 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2020 में जमा खान ने बीएसपी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद विधायक बने, बाद में बीएसपी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। अगर बात की जाए नीतीश कैबिनेट के दागी मंत्रियों की तो सुरेंद्र यादव और जमा खान समेत 1, 2, 3 नहीं 10 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हाँ, ये एक बड़ी बात है कि ये जो कैबिनेट बनी है 31 मंत्रियों की, इसमें 10 ऐसे हैं जो दागदार हैं। और इसमें सबसे पहले तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करते हैं। 2020 के उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक ही उन पर कुल 11 मामले दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं और तेजस्वी यादव इनमें आरोपी हैं। साथ ही 420 यानी धोखाधड़ी और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज है। लालू यादव के एक और बेटे और स्वास्थ्य मंत्री की शपथ लेने वाले, जो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री की शपथ ली थी और इस बार तो उनको पर्यावरण मिला है, तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं। तेज प्रताप यादव पर पटना के अलग अलग थानों में 4 मामले दर्ज हैं और एक मामला दहेज से जुड़ा हुआ भी है, ये पर्सनल उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। और भी कई ऐसे चेहरे हैं, तो 2 हो गए लालू प्रसाद यादव जी के बेटे ही। उनके अलावा जेडीयू कोटे से मंत्री बने दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट से विधायक मदन सहनी पर आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक मामला बहादुरपुर और दूसरा घनश्यामपुर थाने में दर्ज है। बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक हैं सुमित कुमार सिंह, इनको मंत्री बनाया गया है और निर्दलीय कोटे से ये आए, तो इन पर क्या मामला दर्ज है? धोखाधड़ी और जालसाजी करने समेत 5 मामलों में FIR दर्ज है। सुमित जो है वो जमुई जिले के चकाई सीट से निर्दलीय विधायक हैं। वहीं लेसी सिंह पूर्णिया की धमदाह सीट से जेडीयू की विधायक हैं। पिछले कुछ दिनों पहले पूर्णिया में जिला परिषद सदस्य के पति की हत्या के बाद इनके भतीजे का नाम सामने आया था और मामले में लेसी सिंह पर भी आरोप लगा था, लेकिन FIR में उनका नाम नहीं है। हालांकि चुनावी हलफनामे में भले ही कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन एक पूर्व IPS अधिकारी ने लेसी सिंह के घर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद होने का आरोप लगाया था। और बात करते हैं
आरजेडी के एक और नेता हैं ललित यादव, दरभंगा ग्रामीण सीट से विधायक हैं। उनके खिलाफ पटना थाने में एक केस दर्ज है। ललित यादव उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आए थे जब शाहूपुर चक्का गांव में प्रॉपर्टी डीलर हीरा पासवान की गोली मारकर हत्या हुई थी और शव ललित यादव के बगीचे से बरामद हुआ था, जिसकी हत्या का आरोप ललित यादव पर लगा था। एक और नेता की बात करते हैं, आरजेडी के ही हैं। आरजेडी नेता कार्तिक कुमार पर कई थानों में मामले दर्ज हैं। मुकामा थाना, मुकामा रेल थाना समेत बेहटा में भी इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि किसी भी मामले में अब तक न्यायालय से इन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। और देखिए, ज़्यादातर जगहों पर जब आप राजनेताओं को सुनेंगे तो वो ये बताते हैं कि राजनीति से प्रेरित है मामले, साजिशन उन्हें इन मामलों में फंसाया गया है। लेकिन फिर ये भी देखते हैं कि ऐसा नहीं कि सभी पर मामले दर्ज हैं। 31 हैं तो 10 पर मामले दर्ज हैं, 21 ऐसे भी हैं जिन पर मामले दर्ज नहीं है। 65 वर्षीय रिटायर्ड प्रोफेसर और आरजेडी नेता डॉक्टर रामानंद यादव की भी बात करते हैं। ये फतुहा विधानसभा सीट से विधायक हैं। करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक डॉक्टर रामानंद यादव पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस फहरिस्त की बात की जाए तो एक नहीं, दो नहीं, 10-10 ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि इस लिहाज से देखें तो आप किसी भी सरकार में जब जाते हैं और मंत्रियों के हलफनामे को खंगालते हैं तो आप पाते हैं कि कई मंत्री जो हैं, कई नेता जो हैं, उन पर कई किस्म के मामले चल रहे हैं और कईयों पर आपराधिक मामले भी चलते हैं। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति और अपराध का एक घालमेल हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन बिहार है तो बिहार में थोड़ा सा ये अब जो हवा बदली है, इस बदले हुए रुख में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। नीतीश कुमार इस मामले में सबसे ज़्यादा गिरते दिखाई देंगे। आरजेडी के साथ उनकी दूरियां क्यों हुई थी? दरअसल कुछ मामले जो दर्ज हुए थे तेजस्वी पर, उनके दौरान उनसे इस्तीफे की मांग की थी नीतीश कुमार ने। इस्तीफा नहीं दिया, अड़े रहे, तो नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और फिर से चले गए थे एनडीए के साथ। तो नीतीश कुमार नाराज़ बहुत जल्दी होते हैं, नाराज़ होने के बाद में वो पार्टी बदल लेते हैं और उसके बाद में उनकी सरकार चलती रहती। 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं तो उनको समझ में आ गए हैं बिहार के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन फिलहाल ये तो आप दुखद कह लें या राजनीति की मजबूरी कह लें, एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू साथ में हैं तो कई ऐसे दागी चेहरे हैं, कई दबंग चेहरे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो अब बिहार में मंत्री बन चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।